महाराष्ट्र में सियासी बिसात बिछ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बयानबाजी तेजी से दिखाई पड़ रही है। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही खेमों में बयानबाजी इतनी तेज और इतनी कड़क हो रही है कि जवाब देते देते दोनों ही खेमों के नेताओं की जुबान तक फिसल जा रही है। फिलहाल महायुति के लिए योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनावी रैली में फिर अपना वही पुराना वाला नारा दोहराते हुए नजर आए, बटेंगे तो कटेंगे, इस बार इस नारे पर विपक्ष का कोई नेता नहीं बल्कि उनके ही खेमे के नेता ने आपत्ति जताई है। और वो नेता जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं, वो नेता जिनके लिए कहा जाता रहा है कि शायद महायुति से उनका मन भर गया है। आप बिल्कुल ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की। बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराने वाले योगी आदित्यनाथ के बाद अब बीजेपी के सहयोगी और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार कहते हैं कि राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणियों की सराहना नहीं करते, उन्हें इस तरह के नारे पसंद नहीं हैं। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है, ये कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा शायद उन्हें रास नहीं आएगा, महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से ना की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पत्रकारों की तरफ से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फूले की जमीन, आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं करिए, महाराष्ट्र के लोगों को यह सब पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की। अपने बयान में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि जब अन्य राज्यों के लोग यहां आते हैं तो वो अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया, ये यहां के सभी चुनावों का इतिहास रहा है। सीएम योगी ने 20 नवंबर को होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए पूर्वी महाराष्ट्र के जो वाशिम का इलाका है वहां एक चुनावी अभियान में रैली में बोलते हुए फिर से दोहराया था सीएम योगी ने कि बटेंगे तो कटेंगे, और उन्होंने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ले रहा हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप विभाजित ना हो, क्योंकि जब भी हम विभाजित होते हैं हम नष्ट हो जाते हैं। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होना है, आप सब जानते हैं 288 सीटें हैं, 20 नवंबर को वोटिंग है, जबकि जो मतगणना की तारीख है वो 23 नवंबर तय की गई है, मात्र 3 दिन बाद। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता में बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे की एनसीपी और कांग्रेस की विपक्षी जो है वो महाविकास अघाड़ी, वो इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने अगर देखा जाए तो ये जो बयान आया है वो एनसीपी के प्रमुख के तरफ से आया है, इसलिए ये एनसीपी का ही बयान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान से खुद को अलग कर लिया है एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने, उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है। अजीत पवार के ने ये भी जो कहा कि इस तरह के बयान बाहरी लोग देते हैं, महाराष्ट्र ने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में महायुति उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपने इसी बयान को दोहराया था। उसके बाद अजीत पवार से सवाल हुआ तो अजीत पवार ने कहा कि किसी को भी महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, महायुति जो कि अजीत पवार, जो कि बीजेपी, जो कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मिलकर बनी हुई है, अब अगर आप देखिए तो इस तरह की कहानी अगर फिर से दोहराई जाएगी तो निश्चित तौर पर ये बाहर हवा उड़ेगी कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले नवाब मलिक के मुद्दे पर भी महायुति में रार तकरार की चर्चा खूब सामने आई और इसे महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने यानी विपक्षी नेताओं ने हाथों हाथ उठाया था। अजीत पवार ने अपनी पार्टी, अपनी गठबंधन से हटकर, पार्टी लाइन से अलग हटकर, गठबंधन की लाइन से अलग हटकर नवाब मलिक को टिकट दिया था और पवार ने उनके प्रश्न पर कहा कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार नवाब मलिक के लिए प्रचार करेंगे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था, अगर आपको याद होगा तो वो पूरा मामला, फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मानखुर्द शिवाजी नगर से उन्हें सीट से चुनाव लड़ने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी, इन तीन दोनों की जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनको ताक पर रखकर अजीत पवार ने इन्हें टिकट दिया। दोनों ही महायुति के उम्मीदवार हैं लेकिन बीजेपी शिंदे के उम्मीदवार का समर्थन करेगी और मलिक के लिए प्रचार करने से इनकार कर रही है बहुत दिनों से। अजीत पवार ने कहा कि नवाब मलिक पर लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं किया गया है, आधार जरूर है कि वो दोषी हैं और इसके लिए दोष तय होना जरूरी है, मैं उनके लिए प्रचार जरूर करूंगा।
महायुति के उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियों के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने कहा कि मुझे बारामती में किसी की रैली की जरूरत नहीं है। ये अजीत पवार का जो स्टाइल है, अजीत दादा पवार यूं ही नहीं कहे जाते, ये स्टाइल एक संकेत है, ये स्टाइल एक मैसेज है, ये स्टाइल एक अपनी बात कहने का वो तरीका है जो वो शायद डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं। कहानी हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले अपनी पार्टी लाइन और अपने गठबंधन से एकदम इतर जाकर अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया और अब फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे और लगभग हर प्रदेश में जिसकी डिमांड होती है चुनाव के दौरान, योगी आदित्यनाथ, उनके बयान को लेकर अजीत पवार सिरे से इस बात को कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि इस तरह के बयान की महाराष्ट्र में आवश्यकता नहीं है। तब जबकि योगी के बयान के साथ साथ ये बंटने वाले एंगल पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी बयान देते हुए अपनी रैलियों में दिखाई पड़ रहे हैं, यानी संबोधन देते हुए अपनी रैलियों में नजर आ रहे हैं। इस बीच अजीत पवार का पार्टी लाइन और गठबंधन से एकदम अलग हटकर अपने आप को अलग करना और इस तरीके का बयान देना निश्चित तौर पर यह बताता है कि अजीत पवार के दिमाग में कुछ चल रहा है। अजीत दादा पवार फिर महाराष्ट्र में बड़ा खेल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।